कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा चुनावी वादा कर दिया है। राहुल गांधी ने देश के 20% सबसे गरीब लोगों को हर साल 72,000 रूपए देने का ऐलान किया था और आज उसी न्यूनतम आय योजना को लेकर कांग्रेस ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि न्यूनतम आय योजना के तहत दी जाने वाली 72,000 रूपए की रकम सीधे घर की महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। कांग्रेस ने अपनी इस योजना को महिला केंद्रित योजना बताया है और इसके साथ ही कांग्रेस ने पीएम मोदी को पाखंडी बताते हुए गरीब विरोधी होने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, हम साफ करना चाहते हैं कि ये टॉप स्कीम नहीं है। हर परिवार को 72,000 रूपए प्रति वर्ष मिलेगा। ये महिला केंद्रित स्कीम है और ये 72,000 रूपए कांग्रेस पार्टी घर की गृहिणी के खाते में जमा करवाएंगी। इसके साथ ही सुरजेवाला ने ये भी कहा, गरीब विरोधी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार न्याय स्कीम का विरोध कर रहे हैं। हम 130 करोड़ देशवासियों की ओर से आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इस स्कीम के पक्ष में हैं या विरोधी हैं। पाखंडी मोदी जी अपने मित्रों और पूंजीपतियों का 3,17,000 करोड़ माफ करते हैं, लेकिन 20% गरीबों को 72,000 रूपए देने में आपको तकलीफ क्यों है? आपको बता दें कि राहुल गांधी का दावा है कि इसका फायदा 5 करोड़ परिवारों को होगा, मतलब ये कि सरकारी खजाने पर 3.6 लाख करोड़ का बोझ आ जाएगा और इससे सरकार का मौजूदा 7 लाख करोड़ का वित्तीय घाटा बढ़कर 10.6 लाख करोड़ हो जाएगा। अर्थशास्त्रियों की राय है कि इस योजना से अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव आएगा। क्या राहुल गांधी की ये स्कीम गेम चेंजर है या फिर तुलना से परे निरर्थक है और इस स्कीम को लागू करने के पीछे क्या प्लान होगा, ये तो राहुल गांधी ही जाने। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब कीजिए।